ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। ओम बिरला ने कैंप कार्यालय में लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने साल 2021 की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि बेहतरीन रेल रोड कनेक्टिविटी वाले शहर कोटा को नए साल में हवाई सेवा का भी तोहफा मिलने वाला है। बस प्रतीक्षा केवल राज्य सरकार की तरफ से जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो जाने की है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी भंवर एस चारण ने। नए साल का पहला दिन और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं और शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय में लगातार लोगों से जो मिलने का सिलसिला है वो जारी है। शुभकामनाओं के आदान प्रदान में ओम बिरला व्यस्त है। सर, नए साल का पहला दिन है, शुभकामनाएं आपकी तरफ से दी जा रही है और बहुत से लोग आपको भी शुभकामनाएं देने पहुँचे हैं। नववर्ष की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बधाई। ये नया वर्ष हमारे लिए नए संकल्प के साथ सबके जीवन में खुशी लाए, उल्लास लाए, उमंग लाए और इस नए साल में उन सारी चुनौतियों को जो पिछले साल हमने मुकाबला किया था, जिससे कुछ सीखा है, अनुभव प्राप्त किए हैं कि देश में कभी भी ऐसी कोई भी आपदा, ऐसी कोई भी चुनौती आए तो किस तरीके से हम सामूहिक रूप से मुकाबला करते हैं और आने वाला वर्ष हमारे लिए निश्चित रूप से उत्साहजनक होगा, परिणामदायक होगा और हम एक नए भारत के निर्माण में सामूहिक संकल्प के साथ काम करेंगे। मेरी सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संसदीय क्षेत्र के लिए क्या कुछ नए लक्ष्य आपने इस नए साल के साथ तय किए हैं? कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र एक किसान का बहुत बड़ा क्षेत्र भी आता है। हमारी कोशिश होगी कि किस तरीके से किसान के खेत तक पानी पहुंचे ताकि उसकी उपज बढ़ सके, उसकी उपज का मूल्य ठीक मिल सके। इसको हम किस तरीके से टूरिज्म की तरह जोड़ें ताकि देश विदेश के पर्यटक यहाँ आ सकें, नए रोजगार सृजन हो सके। ये आशा है कि मुख्यमंत्री जी नए वर्ष के अंदर इस कोचिंग को खोलने का, एजुकेशन के अन्य सेक्टरों को राज्य में खोलने का SOP बनाकर निर्णय करेंगे। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जिन्होंने उम्मीद जताई है कि शायद नए साल के साथ ही कोटा की बंद पड़ी कोचिंग जो है उसको एक बार फिर से खोलने का फैसला भी शायद मुख्यमंत्री स्तर पर हो पाएगा और साथ में उन्होंने एक बड़ा बयान ये दिया है कि मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि कोटा, जहाँ बहुत अच्छा रेल नेटवर्क है, बहुत अच्छा रोड नेटवर्क है, आने वाले साल के साथ ही कोटा में एयर कनेक्टिविटी भी कोटा के लोगों को शायद नए साल के साथ मुहैया हो पाएगी। कैमरामैन रामेश्वर कुशवाहा के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। और चलिए